हेलो डियर चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 6.3 क्वेश्चन नंबर वन फैक्टोराइज फर्स्ट एग्जांपल वाई क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन अभी यहां पे हमें फैक्टोराइज करना है तो 6.3 प्रैक्टिस सेट में हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस फॉर्मूले का यूज करना है तो इसका फैक्टोराइजेशन होता है ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर तो अभी इस फॉर्मूले से हमें इसको फैक्टोराइज करना है तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे y क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन जो नंबर है किसका क्यूब है थ्री का थ्री का क्यूब तो अभी ये जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न में हो गया तो इसको हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे y यानी ए बन गया यानी ए इक्वल टू वाई और जो थ्री है वो क्या है b b इक्वल टू थ्री देर फोर अभी इसको सॉल्व करते हैं वाई क्यूब माइनस थ्री क्यूब इक्वल टू अभी इसी फॉर्मूले से हमें इसको सॉल्व करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे अभी ए माइनस बी इसलिए वाई माइनस थ्री इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर यानी वाई स्क्वेयर प्लस ए बी यानि वाई मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस बी स्क्वेयर यानी थ्री का स्क्वेयर इस प्रकार से इक्वल टू वाई माइनस थ्री इन सेकंड रैकेट वाई स्क्वेयर प्लस थ्री वाई प्लस नाइन इस प्रकार से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं सेकंड एग्जांपल देखते हैं एक्स क्यूब माइनस सिक्सटी फोर वाई क्यूब अभी इसको भी हमें फैक्टराइज़ करना है तो इसके लिए भी हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला यूज करना है तो अभी इस प्रकार से इसको राइट डाउन करेंगे एक्स क्यूब माइनस सिक्सटी फोर जो नंबर है वो किसका क्यूब है फोर का तो इसलिए फोर वाई ब्रैकेट का क्यूब अभी ये जो फॉर्मेट हो गया वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी यहाँ पे ए जो है वो है एक्स और जो बी है वो है फोर वाई तो अभी इसको फैक्टराइज़ के फॉर्मूले में राइट डाउन करते हैं एक्स क्यूब माइनस फोर वाई क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी था इसलिए एक्स माइनस फोर वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर यानी एक्स का स्क्वेयर प्लस ए बी ए बी यानी क्या एक्स इन फोर वाई प्लस बी स्क्वेयर यानी फोर वाई ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस फोर वाई इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर का स्क्वेयर

किसका क्यूब है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं तो इस प्रकार से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं देखो यहाँ पे 27 जो नंबर है इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 27 को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच गया एम क्यूब बच गया माइनस 216 जो नंबर है इसमें से यदि हमने 27 को बाहर निकाल दिया तो 27 को मल्टीप्लाई किया कौन से नंबर से तो 216 मिलता है तो ट्वेंटी सेवन टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन और जो एन क्यूब है जैसा है वैसे का वैसा तो अभी ट्वेंटी सेवन नंबर को हमने कॉमन निकाला है इसलिए ट्वेंटी सेवन इंटू एम क्यूब किया तो ट्वेंटी सेवन एम क्यूब ट्वेंटी सेवन इंटू एट एन क्यूब किया तो टू हंड्रेड एंड एन क्यूब ये मिल जाएगा तो अभी इसको सॉल्व करते हैं ट्वेंटी सेवन इन ब्रैकेट एम क्यूब माइनस एट एन क्यूब ये जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न में आ गए तो अभी ये जो एट नंबर है वो किसका क्यूब है वो फर्स्टली हमें राइट डाउन करना होगा तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे एम क्यूब माइनस एट नंबर किसका क्यूब है टू का तो टू एन ब्रैकेट का क्यूब इस प्रकार से रेड डाउन किया तो अभी ट्वेंटी सेवन जैसा है कॉमन वैसे का वैसा राइट डाउन किया और ये जो है ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको हम फैक्टोराइज कर लेते हैं इन ब्रैकेट अभी यहाँ पे ए की जो टर्म है वो है एम और जो बी की टर्म है वो क्या है टू एन है तो इसको सॉल्व करते हैं ट्वेंटी सेवन इन ब्रैकेट ए माइनस बी यानी एम माइनस टू एन इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर यानी क्या एम का स्क्वेयर प्लस ए बी ए बी यानि एम मल्टीप्लाई बाय टू एन प्लस बी स्क्र यानी टू एन ब्रैकेट का स्क्वेयर इसलिए राइट डाउन करेंगे ट्वेंटी सेवन इन ब्रैकेट एम माइनस टू एन इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट एम स्क्र प्लस टू एम एन प्लस टू का स्क्वायर बन गया फोर एन इस प्रकार से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं फोर्थ नंबर का एग्जांपल देखते हैं वन ट्वेंटी फाइव वाई क्यूब माइनस वन तो अभी यहाँ पे 125 जो नंबर है वो किसका क्यूब है फाइव का फाइव वाई ब्रैकेट क्यूब माइनस वन ब्रैकेट क्यूब अभी ये जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में आ गया तो अभी इसको फैक्टोराइजेशन का वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर तो अभी यहाँ पे ए की जो टर्म है वो है फाइव वाई और बी की जो टर्म है वो है वन तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं फाइव वाई ब्रैकेट क्यूब माइनस वन ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी तो फाइव वाई माइनस वन इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर यानि फाइव वाई ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस ए बी यानि फाइव वाई इन टू वाई प्लस वन का स्क्वेयर इक्वल टू फाइव वाई माइनस वन इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट फाइव वाई ब्रैकेट का स्क्वायर किया तो क्या मिल जाएगा ट्वेंटी प्लस इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इसको नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एट पी ब्रैकेट क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन पी क्यूब तो अभी ये जो नंबर दिए हुए है इसको भी हमें एक क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में रेड डाउन करना है क्योंकि हमें यही फॉर्मूला यूज करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी इस प्रकार से तो फर्स्टली यहाँ पे जो नंबर दिए हुए उसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में रेड डाउन करना है तो ये जो एट नंबर है वो किसका क्यूब है टू का तो टू पी ब्रैकेट का क्यूब माइनस अभी ट्वेंटी सेवन नंबर जो है वो थ्री का क्यूब है इसलिए थ्री अपॉन पी ब्रैकेट का क्यूब इस प्रकार से तो भी यहाँ पे ए की जो टर्म है वो है टू पी और बी की जो टर्म है वो है थ्री अपॉन पी तो भी सॉल्व कर लेते हैं इसको इस प्रकार से देखो टू पी ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री अपॉन पी ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी तो यहाँ पे ए की टर्म है टू पी माइनस बी की टर्म है थ्री अपॉन पी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर यानी टू पी ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस ए बी ए बी यानी टू पी इन टू बी की टर्म है थ्री अपॉन पी प्लस बी स्क्वायर यानी थ्री अपॉन पी ब्रैकेट का स्क्वेयर इस प्रकार से इक्वल टू टू पी माइनस थ्री अपॉन पी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट अभी यहाँ पे स्क्वायर करना है हमें टू का स्क्वायर क्या बन गया फोर फोर पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो पी पी की टर्म कैंसल हो गई तो टू इंटू थ्री टू थ्री सिक्स प्लस थ्री अपॉन पी ब्रैकेट का हमें करना है स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर बन गया नाइन और पी का स्क्वायर बन गया पी स्क्वायर इस प्रकार से इसका फैक्टराइजेशन मिल जाता है 343 हंड्रेड एंड फोर्टी माइनस इस प्रकार से दिया हुआ है तो अभी यहाँ पे 343 जो नंबर है वो किसका क्यूब है वो है सेवन का क्यूब तो सेवन ए ब्रैकेट क्यूब माइनस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व जो नंबर है वो एट का क्यूब है तो एट बी ब्रैकेट का क्यूब अभी ये जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न में आ गया तो अभी हमें ए की जो टर्म है वो क्या मिल गई सेवन ए और बी की टर्म मिल गई हमें एट बी तो अभी सॉल्व कर लेते हैं इस प्रकार से देखो सेवन ए ब्रैकेट क्यूब माइनस एट बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इसलिए सेवन ए माइनस एट बी सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर यानी सेवन ए ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस ए बी यानी सेवन ए इंटू एट बी प्लस बी स्क्वेयर यानी एट बी ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू सेवन ए माइनस एट बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सेवन का स्क्वेयर फोर्टी नाइन ए स्क्र प्लस एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स ए बी प्लस एट का स्क्वेयर सिक्सटी फोर बी स्क्वेयर इस प्रकार से फैक्टराइजेशन हो जाता है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेवन नंबर का फोर एक्स क्यूब माइनस सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन वाई क्यूब एग्जाम्पल दिया हुआ है तो अभी यहाँ पे जो सिक्सटी फोर नंबर है वो किसका क्यूब है फोर का तो फोर एक्स ब्रैकेट क्यूब माइनस सेवन ट्वेंटी नाइन जो नंबर है वो नाइन का क्यूब है इसलिए नाइन वाई ब्रैकेट क्यूब इसलिए यहाँ पे a की टर्म मिल गई हमें फोर एक्स और बी की टर्म मिल गई हमें नाइन वाई तो अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में इसको राइट डाउन करना है तो फोर एक्स क्यूब माइनस नाइन वाई ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी यानी फोर एक्स माइनस नाइन वाई इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर यानी फोर एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस ए बी यानि फोर एक्स इन टू नाइन वाई प्लस बी स्क्वेयर यानी नाइन वाई ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू फोर एक्स माइनस नाइन वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन एक्स स्क्स फोर नाइनजा थर्टी सिक्स एक्स वाई प्लस नाइन का स्क्वायर एटी वन वाई इस प्रकार से फैक्टराइजेशन हो जाता है एट नंबर का एग्जांपल देखते हैं सिक्सटीन ए क्यूब माइनस वन ट्वेंटी एट अपॉन बी क्यूब तो अभी यहाँ पे एक क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में इसको राइट डाउन करना है तो इसलिए क्या करते हैं ये जो सिक्सटीन नंबर है इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं तो सिक्सटीन को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच गया एक क्यूब बच गया माइनस अभी सिक्सटीन कॉमन निकाला वन ट्वेंटी एट में से तो यहाँ पे बच गया एट अपॉन बी क्यूब फोर सिक्सटीन इन ब्रैकेट एक क्यूब माइनस एट जो नंबर है वो किसका क्यूब है टू का इसलिए टू अपॉन बी ब्रैकेट का क्यूब इस प्रकार से अभी जो ब्रैकेट में जो दोनों नंबर है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में आ गए तो इसलिए अभी यहाँ पे एक क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करके इसको फैक्टराइज करते हैं इसलिए यहाँ पे A की जो टर्म है वो है ए और बी की जो टर्म है वो है टू अपॉन बी है तो इसलिए राइट डाउन करेंगे सिक्सटीन जैसा कॉमन है वैसे का वैसा राइट डाउन करेंगे अभी ए माइनस बी राइट डाउन करना होगा फर्स्टली तो ए की टर्म कौन सी है ए माइनस बी की टर्म है टू अपॉन बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेर यानी ए स्क्वेयर प्लस ए बी यानी ए इंटू टू अपॉन बी प्लस बी स्क्वेयर यानी टू अपॉन बी ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू सिक्सटीन इन ब्रैकेट ए माइनस टू अपॉन बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड रैकेट ए स्क्वेयर प्लस टू ए अपॉन बी प्लस टू का स्क्वेयर फोर अपॉन बी स्क्वेयर इस प्रकार से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 इसमें से क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीटली सॉल्व किया है आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो